नमस्कार दोस्तों, मैं प्रभात कुमार, फिशरीज एक्सपर्ट, आपका स्वागत करता हूं आज के एक और जबरदस्त बेहतरीन और खास वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं ऐसे पांच महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट जबरदस्त या कह सकते हैं बहुत प्रभावी कारणों के बारे में जिनकी वजह से कोई मछली पालक असफल हो जाता है मछली पालन के क्षेत्र में या मछली पालन के व्यवसाय में। मैं आपको बता दूं कि मछली पालन करके आज बहुत से ऐसे किसान हैं, बहुत से ऐसे मछली पालक हैं जिन्होंने बहुत मोटी रकम कमाई है, बहुत अच्छा रोजगार पैदा कर लिया है। वहीं बहुत सारे ऐसे मछली पालक होते हैं जो मछली पालन करके बहुत अच्छा पैसा नहीं कमा पाते हैं, वो लॉस में चले जाते हैं, उनको घाटा हो जाता है। तो ऐसे क्या कारण होते हैं जिनको लॉस हो जाता है, क्या कारण होते हैं कि उनको घाटा हो जाता है, आज ऐसे पांच महत्वपूर्ण कारणों को मैं आपके सामने लेकर आया हूं। तो यदि आप अपने मछली पालन के व्यवसाय में इन पांच कारणों को इम्प्लीमेंट करेंगे, इन पांच कारणों की या इन पांच वजहों के ऊपर यदि आप ध्यान देना शुरू करेंगे तो आपके मछली पालन में घाटे में जाने की जो पॉसिबिलिटी होगी या संभावनाएं होंगी वो बहुत हद तक आप घटा देंगे और लाभ की संभावनाओं को बढ़ा पाएंगे। कौन से पांच कारण हैं? सबसे पहला कारण होता है लैक ऑफ नॉलेज। क्या मतलब इसका निकला? जानकारियों का या मछली पालन के संबंध में ज्ञान का अभाव। देखिए, एक डॉक्टर बनने के लिए 5 से 10 साल पढ़ाई करनी पड़ती है। एक छोटा सा व्यवसाय, यदि आप एक साइकिल बनाना भी चाहें ना, तो उसके लिए भी आपको किसी के पास साइकिल बनाना सीखना पड़ेगा। लेकिन मछली पालन एक ऐसा व्यवसाय है, लोगों को लगता है कि हम एक तालाब खोदेंगे, उसमें पानी भर के मछली के बच्चे डाल देंगे और हमको मोटी रकम मिल जाएगी। अरे, छोटा सा पंचर बनाने वाला भी पंचर बनाने को जब सीखता है तभी वो जाके एक कह सकते हैं कि अपना छोटा सा बिजनेस खड़ा कर पाता है जहाँ पे वो 200-500 रुपए दिन का कमा पाता है। और आप लाखों रुपए कमाना चाहते हैं और आपने बस ये सोचा कि एक तालाब खोद कर यदि आप उसमें मछली के बच्चे डाल देंगे तो आपको बड़ा फायदा हो जाएगा। तो इस तरह की सोच जहाँ पे आप कुछ सीखना नहीं चाहते, बस कमाना चाहते हैं, तो हमेशा ध्यान रखिए, जब लर्निंग आएगी तभी अर्निंग आएगी। जितना सीखोगे उतना कमाओगे। आज टाटा और अंबानी बड़ा पैसा क्यों कमा पाती हैं? क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा बिजनेस की डीप नॉलेज है, उनने बहुत ज़्यादा सीखा है। आज बिल गेट्स, जो कि दुनिया के सबसे अमीर आदमी हैं, वो डेली एक बुक पढ़ते हैं और वो लगातार, अब तो उन्हें उनको काम करने की ज़रूरत भी नहीं, उनके पास इतना पैसा है, फिर भी वो लगातार पढ़ते रहते हैं। वो क्यों? क्योंकि वो इस बात को समझ चुके हैं कि जिसका जितना बड़ा नॉलेज उसके पास उतना बड़ा पैसा कमाने की संभावना है। तो लैक ऑफ नॉलेज, कम से कम यदि आप मछली पालन करने जा रहे हैं ना, तो मछली पालन की कम से कम आप सही से जानकारियां इकट्ठी कर लें, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो मछली पालन में असफलता का पहला बड़ा कारण है लैक ऑफ नॉलेज। अब हम बात करते हैं कि मछली पालन में असफलता का दूसरा कारण कौन सा होता है। दूसरा कारण होता है गलत आदमी से, गलत व्यक्ति से, गलत जानकार से मछली पालन के संबंध में सलाह ले लेना। मैं आपको बता दूं कि यदि आपको सोने का कोई आभूषण बनवाना हो ना, तो लोहार से जाके मत पूछ लेना दाम। लोहार नहीं बताएगा, बताएगा तो गलत बताएगा और वो बताएगा जो उसके काम की है नहीं, आपके कोई काम आने वाली है उसकी जानकारी। तो सोना खरीदना है तो सुनार के पास जाइए, लोहा खरीदना है तो लोहार के पास जाइए। मतलब ये कि जो जानकारी आपको चाहिए उसकी विशेषज्ञ से आप मिलिए। तो कभी कभी मछली पालक इस बात में तो जागरूक होता है कि उसे मछली पालन करना है तो कुछ जानकारियां चाहिए होंगी, लेकिन वो गलत आदमी के पास पहुंच जाता है। ऐसा आदमी जिसके पास नॉलेज कम है और वो उनसे सलाह लेता है, इसलिए वो मछली पालन में लॉस में चला जाता है। एक बात ध्यान रखिए कि यदि आपको हार्ट का ऑपरेशन करवाना हो ना, तो आप हार्ट के ऑपरेशन झोला छाप डॉक्टर से मत करवाइए। ठीक होने की गारंटी नहीं, ऊपर जाने की गारंटी मिल जाएगी। आप हार्ट का ऑपरेशन करवाने के लिए किसी अच्छे बड़े MD MBBS डॉक्टर के पास जाते हैं ना, तो आप मछली पालन के संबंध में जहाँ पे एक आप स्टेबल व्यवसाय खड़ा करना चाहते हैं, आप किसी से भी जाके सलाह लेंगे, कोई भी आपको सलाह देगा, उसकी सलाह से आप मछली पालन करेंगे, क्या गारंटी कि आप सफल हो जाएंगे। हमेशा ध्यान रखिए कि सफ़ेद कोट पहना आदमी डॉक्टर नहीं होता। हर वो व्यक्ति जो सफ़ेद कोट पहन ले वो डॉक्टर नहीं होता, और वो हर व्यक्ति जो तालाब किनारे खड़ा हो जाए वो मत्स्य विशेषज्ञ नहीं होता। तो ऐसे व्यक्ति से सलाह लीजिए जिसको मछली पालन के संपूर्ण आयामों का ज्ञान हो। मछली पालन एक छोटा सा क्षेत्र नहीं है, मछली पालन तालाब में पानी भरकर मछली पालने पर का क्षेत्र नहीं है, इसका आयाम इतना बड़ा है कि जो मेरा अनुभव कहता है कि यदि मैं लगातार दिन रात पढ़ता रहूं तो एक जन्म क्या कई जीवन कम पड़ जाएंगे, इतना बड़ा आयाम है इस क्षेत्र के बारे में। तो कम से कम एक ऐसे व्यक्ति से आपको सलाह लेनी है जिसके पास एक प्रॉपर नॉलेज हो। तीसरी बात करते हैं कि मछली पालन में असफलता का तीसरा कारण कौन सा होता है। तीसरा कारण बहुत कॉमन कारण है, बहुत आम कारण है, और उसमें किसान ठगा जाता है। वो किसान की गलती नहीं होती है, पर किसान को लैक ऑफ नॉलेज के कारण वो गलती
इसका कह सकते हैं कि खामियाजा भरना पड़ जाता है। वो तीसरा कारण कौन सा होता है? वो होता है कि सही मत्स्य बीज की उपलब्धता न होना। सोचिए कि आपने एक तालाब बनाया जो कि पूर्ण रूप से परफेक्ट तालाब है, कोई कमी नहीं है, आपने मछली पालन की संपूर्ण जानकारी भी आपको है, लेकिन आप मछली के बच्चे जहाँ से लेकर आ रहे हैं वहाँ पे आज इंडिया में क्या हो रहा मैं आपको बताता हूँ। आप मछली के जाएंगे 1000 बच्चे खरीदने के लिए, एक्चुअली मैं ये मछली के बच्चे कुछ अपने अपने नाप से अलग अलग हेचरियों में जब जाते हैं तो ये अपने अपने नाप से नाप कर आपको देते हैं। आप जब 1000 बच्चे के पैसे पे करते हैं तो उसमें 1000 बच्चे नहीं होते हैं, उसमें होते हैं 700 बच्चे, 800 बच्चे, 200-300 बच्चे वो वहीं पे मार लेते हैं। अब फार्मा तो समझ रहा कि उसने तालाब में 1000 बच्चे डाले हैं, बच्चे गए 700 में 200 मर गए, बच्चे 500, तो वो उम्मीद लगाया 1000 बच्चों की, अब तो तालाब में 500 बच्चे बचे। दूसरी चीज, गलत जगह से बच्चे ले लिया, बच्चे बीमार है, बच्चे में कोई बीमारी है, आपका तालाब अच्छा है ना, बच्चे बीमारी लेकर आएंगे, तालाब को बीमार बना देंगे, तालाब का पानी दूसरे को जाएगा, बैक्टीरिया, वायरस, फंगल, ना जाने कितनी चीज़ें आपके तालाबों में आ जाएंगी जो मछली की ग्रोथ को पूरी तरह से इफेक्टेड कर देंगी। इसके अलावा और क्या होता है मछली पालकों को असफल बनाने का या असफल होने का एक बड़ा कारण है, ये जो हैचरी वाले होते हैं जो मत्स्य बीज उपलब्ध करवाते हैं ये चालाकी कर जाते हैं। आप जाएंगे उनके पास रोहू के बच्चे खरीदने के लिए, रोहू के ब्रीडिंग थोड़ा कठिन होती है, रोहू की ब्रीडिंग कराएंगे, बच्चों को डेवलप करेंगे तो उसमें खर्चा भी आता है, तो आपने उनसे मांगे 1000 बच्चे, उन्होंने दिए पहले ही आपको 800 बच्चे, और 800 बच्चे में से 100-150 बच्चे तो रोहू के बच्चे होंगे ही नहीं, वो कोई दूसरी देसी प्रजाति के बच्चे होंगे जो वाइल्ड लाइफ से उन्होंने कलेक्ट करके अपने तालाब में नर्सरियों में ला के रख लिए हैं और वो मिला के उनको बेच रहे हैं, मतलब मछली के बीजों में मिलावट। तो यदि आपको मत्स्य बीज का सही ज्ञान नहीं होगा, यह कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ा कारण है कि आज हमारे देश के अंदर ये फिश फार्मिंग के फील्ड में ना कोई सर्टिफिकेशन होता है, ना कोई अच्छी अथॉरिटीज़ है जो इस बात को रेगुलेट कर सके। तो ये एक बड़ा कारण होता है कि मत्स्य बीज की अच्छी उपलब्धता ना होना। आप पूरे तरीके से सजग हैं लेकिन आपके जो मत्स्य बीज हैं वो पूरे तरीके से सही नहीं है। तो अच्छी मत्स्य बीज की उपलब्धता ना होना मछली पालकों की असफलता का तीसरा बड़ा कारण है। अब बात करते हैं कि मछली पालक की असफलता का चौथा कारण कौन सा होता है। चौथा कारण होता है मत्स्य आहार की उपलब्धता। देखिए, आप ना मछली पालन करेंगे और मछली पालन को भी बड़े पैमाने पर हाई डेंसिटी में करना चाहते हैं तो आपको आर्टिफिशियल फैक्ट्री फॉर्मुलेटेड फीड उनको देना पड़ेगा। लेकिन क्या होता है कि जब आप किसी भी फैक्ट्री से या फिर किसी भी ऐसे जो कह सकते हैं कि जो फीड मिल होती है वहाँ से मछली का दाना लेकर आते हैं तो इनिशियल स्टेज में जैसे मैं रिकमेंड करता हूँ कि एटलीस्ट 32% प्रोटीन, यानी कि यदि 100 ग्राम मछली को आप कुछ खिला रहे हैं तो उसमें 32% प्रोटीन होना चाहिए। वो आपको लिख कर दे देंगे कि हमारे फीड में 32% प्रोटीन है, लेकिन उस प्रोटीन को यदि लैब में सही ढंग से टेस्ट किया जाए तो उस प्रोटीन उसके अंदर उस फीड को टेस्ट किया जाए तो उसके अंदर 32% नहीं हो सकता, 25% ही प्रोटीन मिले। अब किसान सीधा साधा है, वो लैब में फीड कहाँ टेस्ट करवाएगा, तो वो तो ये समझ रहा है कि जो उसको फीड मिल रहा है वो अच्छा फीड है, बेहतर फीड है, और इस चक्कर में वो जब मछलियों को दाना खिलाता है तो मछलियों में जितने कीमत का वो दाना खिला देता है उस कीमत के अनुसार मछलियों में बढ़वार नहीं मिलती है। ये चौथा बड़ा कारण है। इस कारण की वजह से आज बहुत सारी मछलियों का ब्रेक इवन पॉइंट टच ही नहीं हो पाता है, और जब साल के आखिरी में वो कैलकुलेशन लगाता है कि कितना खर्चा आया और कितनी कमाई हुई तो पता चलता है कि कमाई तो कुछ हुई नहीं, उल्टा जेब से पैसे और अलग से चले गए। तो ये कह सकते हैं कि आज बहुत सारे कह सकते हैं फीड जो प्रोवाइडर उनकी ये जालसाजी चल रही है, और क्या करेंगे जी, ये 32% प्रोटीन वाला फीड भी आपको दे देंगे, लेकिन उसके साथ ही एक बड़ी हेरा फेरी क्या करते हैं कि फीड मॉइस्ट हो जाता है। अब सोचिए कि यदि आपका एक फीड है जिसका वजन 80 ग्राम है लेकिन उसमें 20 ग्राम मॉइस्चर यानी पानी की उपलब्धता है। आपने मतलब कभी घरों में आपने गेहूं देखा होगा, यदि वो मॉइस्ट हो जाए, फूल जाए, चने देखे होंगे उसके अंदर पानी प्रवेश कर जाए तो वो थोड़ा सा फूल जाता है, उससे क्या होता है पानी का वजन उस फीड के साथ ऐड हो जाता है। उस तरीके से ये उसके अंदर मॉइस्चर का जो परसेंटेज होती है वो बोलेंगे कि आपके इसमें मॉइस्चर 2% है, लेकिन यदि उसको टेस्ट किया जाए तो 8-10% मॉइस्चर होता है, यानी आप 100 रुपये का यदि दाना खरीद रहे हैं तो उसमें तो 7-8% आपको केवल पानी की कीमत ले ली गई है। इस तरीके से यदि मछली पालकों को फीड की गलत उपलब्धता
मछली पालन में आपको असफल बना देती है, किसी भी मछली पालक को असफल बनाती है। और इन चीजों को एक मछली पालक नहीं समझ पाता है, उसको इस पॉइंट के बारे में दिमाग में ख्याल ही नहीं आता है, इसलिए वो मछली पालक असफल हो जाता है। और पांचवें बड़ी कारण की मैं बात करूं जिसके कारण कोई भी मछली पालक असफल होता है, वो कह सकते हैं कोई ऐसी बीमारी यदि आ गई जो क्योर ना की जा सके, जिसका कोई ट्रीटमेंट या अवेलेबल ना हो। देखिए जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तब देश के अंदर COVID-19 यानी कोरोना वायरस का बहुत ज़्यादा प्रकोप फैला हुआ है। लगभग पिछले 6 महीने से वैज्ञानिक इसकी वैक्सीन, इसकी दवा तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक इसकी कोई वैक्सीन या ना कोई दवा नहीं आ पाई है। तो क्या आपको लगता है कि केवल इंसानों के लिए ऐसे वायरस होते होंगे जो इस तरीके से उन्हें बीमार करते हैं? इससे कहीं ज़्यादा मछलियों में ऐसे वायरस होते हैं जो लगातार कह सकते हैं कि म्यूटेशन करते रहते हैं, मछलियों में नई नई बीमारियां पैदा करते रहते हैं। अब इंसान की कीमत मछली की कीमत से ज़्यादा होती है, इसलिए इंसानों में कोई बीमारी आती है तुरंत उसके ऊपर रिसर्च होना शुरू हो जाती है, तो उसकी दवाइयाँ फिर भी बन जाती हैं। लेकिन आज मछलियों के संबंध में मैं आपको बता दूँ कि 100 में से केवल 20 बीमारियों के इलाज उपलब्ध हैं, 80 बीमारियां आज भी उनके कोई इलाज उपलब्ध नहीं है और उनके ऊपर कोई डीप रिसर्च होती भी नहीं है, क्योंकि वो उतना इकोनॉमिक फ्रेंडली उनके रिसर्च नहीं, खर्चा ज़्यादा है रिसर्च में। बाद में यदि आपने उसकी वैक्सीन या दवाई बना भी ली तो फार्मर उसको यूज नहीं करता, क्योंकि वो कीमती हो जाती है, ज़्यादा उसकी कीमत ज़्यादा हो जाती है। तो ये पाँचवा बड़ा कारण है। तो इसको कह सकते हैं कि बैड लक या आपकी बदकिस्मती ही कह सकते हैं मछली पालक की, कि उसने बाकी सब चीज़ें तो सही की, उसका फीड भी सही है, उसका सीड मछली का मत्स्य बीज भी सही है, उसको जानकारी भी अच्छी है, उसका सलाहकार भी अच्छा है, लेकिन कभी कोई ऐसी बीमारी ही आ गई कि आपके तालाब में उस वायरस या बैक्टीरिया के प्रभाव से ऐसी बीमारी आ गई जिसको ठीक ही ना किया जा सके। तो कई बार तो ऐसा होता है कि रात को सारी मछलियाँ ठीक हों, सुबह देखा तो पूरी मछलियाँ पानी के ऊपर तैर रही मृत होकर। तो इतने तेज़ी से भी कई बार कई वायरस इफेक्ट करते हैं, तो उनको तो क्योर कर पाना भी मुश्किल, क्योंकि जब तक आप पता लगाएंगे कि मछली में कोई बीमारी है तब तक तो मछलियाँ पूरी मर चुकी होंगी। तो ये पाँचवा बड़ा कारण हो जाता है जिसके कारण कोई भी मछली पालक असफल होता है। तो इसके लिए आपको करना क्या है, इन सारे पॉइंटों को नोट करना है, समझना है कि कैसे हम इन चीज़ों को रेड्यूस कर पाएँ, कम कर पाएँ, ख़त्म करने की कोशिश करें, ताकि जो आपके बिजनेस में या व्यापार है मछली पालन के, घाटे की संभावनाएं कम हो पाए। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलता हूँ आगे ऐसे किसी वीडियो में। और जाते जाते आपको बता दूँ कि यदि आप मछली पालन के संबंध में एक प्रॉपर नॉलेज चाहते हैं तो मैं 2 तरह के कोर्स रन करता हूँ। 0 to 1 एडवांस बिजनेस ओरिएंटेड कोर्स, जहाँ पे आपको एडवांस मछली पालन के बिजनेस ओरिएंटेड जानकारियाँ तो मिलेंगी, ट्रेनिंग मिलेगी, साथ ही साथ आपको एक प्रीमियम मेंबरशिप देगा जहाँ पे आपको लगातार कुछ प्रीमियम वीडियोस मिलती रहेंगी, साथ ही साथ आपको यहाँ पे व्हाट्सएप सपोर्ट भी मिलेगा। यदि आप जिसकी कीमत नॉर्मली 4,999 रुपये है, लेकिन अभी इस लॉकडाउन के कारण ये आपको 2,999 मिल जाएगा। साथ ही यदि आप इतने बड़े स्तर पर मछली पालन नहीं करना चाहते, छोटे स्तर पर सीख कर छोटे स्तर पर करना चाहते हैं, तो आप हमारा A to Z बेसिक फिश फार्मिंग कोर्स ले सकते हैं। नाम बेसिक है लेकिन जानकारी वो पूरी दी गई है, जिससे एक मछली पालक प्रॉपर तरीके से मछली पालन की शुरुआत कर पाए। इसकी कीमत नॉर्मली 1,299 रुपये है, लेकिन अभी इस महीने के आखिरी तक यानी जून के महीने तक आखिरी तक यदि आप इस कोर्स को लेते हैं तो आपको केवल 699 रुपये में आप इसे ले सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन पे है, आप उसमें जाके क्लिक करिए और वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। यदि आपको कोई टेक्निकल समस्या आती है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 8815756881 पर संपर्क कर सकते हैं, जहाँ पे आपको इस कोर्स को ज्वाइन करवाने में टेक्निकल सपोर्ट मिल जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।